ସମରି ହେଲା ନା ନି ପତା ମାଡ଼ା ଚଳେ ତ ଦେସ ଦେନି ନା ତା ବୋଲ ତ ମିନ ପତା ଇ ବାହାର କା 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 ଓ ଉଡ ଦିଛ ପି ନା ମାରି ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଆ ଜାପ ମମ୍ମି ଦେ अभी हम बुआ जी के घर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद भाई जी हमें लेने आएंगे आगे शायद आई एम नॉट श्योर बट शायद वो आएंगे लेने जैसे कि उन्होंने बताया था। अभी कुकानेट में एंट्री हो चुकी है हमारी और वो मेरे भाई जी आए हैं हरीश भाई हमें लेने के लिए क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो हमें देखने आए हैं। यहाँ की एंट्री है, यहाँ पे 300 रुपये कटता है और फिर उसके बाद एंट्री होती है सभी की। ये है एंट्री और बात जाते हैं। ये गांव वाले ने खुद बना रखा है कि लोग बाहर से बहुत टूरिस्ट घूमने आते हैं तो खड में करते हैं ऑफ रोडिंग, मैक्सिमम थार वाले होते हैं। ऐसे भी मैंने देखी एक गाड़ी एचर की आ रखी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्सन गाड़ी है। ये बाहर से आए हुए हैं हिमाचल हरियाणा से। अच्छा बेटा ये तो कोई किसी ने मिलने के ना तक करती है ना एक जेना के परोने आए हुए थे ना अपना एक्स्ट्रा रहे इतना फंडे लाई है। यहाँ पे मैंने देखा कि सागर की एक्टिवा डगमगा रही है और इतने में ही सागर लेफ्ट राइट दोनों साइड से घूम गया। फिर ये देख के रहा नहीं गया और मैंने एक्टिवा चलाने का फैसला किया और जीजू को दे दी गाड़ी। उसके बाद मैंने एक्टिवा में गया और जीजू आए गाड़ी। बुआ जी के घर अभी हम पहुँच चुके हैं। ये मेरी बुआ जी हैं जो हमारे लिए चाय लेके आ रहे हैं और हमारे भैया जी भी हमारे लिए पकौड़े और तरह तरह के व्यंजन लेके आ रहे हैं। ये देखो सारे खुश हैं। ये मेरी वीडियो है जो भैया की शादी की वीडियो थी उसमें तो मैंने रिकॉर्ड कर ली मेमोरीज के लिए और हम यहाँ बिल्कुल फुल हो रहे हैं। ये मेरे भैया जी हैं हरीश भाई जी। अब हम आ चुके हैं कुकानेट खड्ड में घूमने के लिए। हमने पकौड़े वगैरह तो खा लिए हैं, पेट भर गया है इसलिए। और यहाँ पे राइडर भाई भी हैं हमारे साथ आ रखे हैं यूट्यूब में और इनका भी शायद कोई चैनल है, इन्होंने लिखा हुआ था आगे। ये भी शायद घूमने ही आए हैं बट सही में बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बहुत ही मतलब काफ़ी बंदे आ रखे हैं यहाँ पे, तक देख सकते हैं वो भी ऐसे सेल्फी स्टिक लेके घूम रहे हैं। उनकी गाड़ी जो हरियाणा वाली मैंने पहले दिखाई थी वही है, वो आगे नेक्स्ट वन उनकी खड़ी है। और ये मेरी फैमिली है और ये सामने ही जो एक घर है पीछे दिख रहा होगा आपको वो हमारी बुआ जी का घर है। टूरिस्ट प्लेस में हमारी बुआ जी का घर है तो हम यहाँ पर आते रहते हैं शुरू से। हमें इतना लगता नहीं कि ये टूरिस्ट प्लेस है बट ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे बुआ जी के लड़के हरीश भाई जी। यहाँ पे कैसा माहौल है, यहाँ पे डेली का क्या सीन रहता है? बहुत अच्छा है वातावरण है इधर ना घूमने के लिए, बहुत अच्छा है। डेली कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? डेली पब्लिक चलती है, गर्मियों में ज्यादा है। गर्मियों में ज्यादा है। ज्यादा गाड़ी कौन सी आती है? ज्यादा सब थार लेके आते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। ठीक है। और यहाँ खाने खुने का भी है कुछ? नहीं अभी तक कुछ नहीं है इधर ऐसे ना, ठीक है घूमने के लिए। ओके। हमारे साथ साथ बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। देख आप देख छोटू वाले ने मुझे सबसे ज्यादा गिला किया क्योंकि पानी में रहता है, बुआ जी का पोता है मतलब भाई हरीश भाई का बेटा है। सही था, सारे इंजॉय कर रहे थे ऑलमोस्ट। अभी हम जाएंगे घर और खाना खाएंगे फिर निकलेंगे अपने गांव जो कि ऊना में है, पहले वाले ब्लॉग वाला। अब नो
अब आ गया खाने का टाइम और हम सब ने वेट भर के खाना खाया। पूरियां तो बहुत ही टेस्टी थी और मिक्स वेज सब कुछ ऑलमोस्ट बढ़िया था। मैं क्या कहूँ, पानी देख के मेरा मन किया कि थोड़ा गाड़ी को भी धोया जाए। गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी थी क्योंकि बिल्कुल गांव वाले इलाके में गई थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में वो उससे भी ज़्यादा गंदी हो गई थी जब मैं चंडीगढ़ पहुँचा। यहाँ भी फिर हम सब ने एक फ़ोटोशूट के लिए रेडी हो गए थे और हमने फ़ोटोशूट करवाया और फिर हम निकले आगे के लिए। अब ये हरीश भाई हमेशा रास्ते में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे न्यू रोड थी जो शॉर्ट पड़ेगा हमें जाने के लिए, तो इसलिए वो हमें बताने जा रहे हैं और आधे रास्ते तक जाएंगे, उसके बाद हम खुद ही जाएंगे। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे तेंदुए वगैरह भी होते हैं, बंदर भी होंगे, बट बंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, बट तेंदुए वगैरह बहुत होते हैं। बिल्कुल जंगली जंगल है हर तरफ। जब बस से हम आते थे तो हमें बहुत दूर उतरना पड़ता था और ये सारा रास्ता जितना भी अभी देख रहे हैं आप, सारा पैदल चल के आना पड़ता था, या तो फिर कोई घर से लेने आए या फिर हम पैदल जाते थे। घर से जो भी लाता था वो भी पैदल जाता था वैसे तो, बट बढ़िया है। हरीश भाई ने हमें न्यू रोड तक पहुंचा दिया है और अभी हम यहाँ से जाएंगे रायपुर। ये रोड रायपुर निकलेगा और उसके बाद मेरा घर सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट की दूरी पर ही है। बाकी आगे का रास्ता हमें पता है। बाकी बढ़िया व्यू, हमें काफ़ी रास्ते में मोर वगैरह मिले, बट तब कैमरा ऑन नहीं होता था, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो जाती हैं। अभी मैं डायरेक्ट आप दिखाता हूँ अपना घर। अभी हम आ गए हैं रमन के घर। ये रमन का घर है और ये है मेरे छोटे चाचा के घर और वो हमारी सिमी है। सिमी हेलो, ये सिमी है अंशु की बहन। ये हमारी बंशु का पड़ाकू वंशिका। हेलो वंशिका, ये कुछ ज़्यादा एक्टिंग कर रही है अभी। इसके 50 रुपये कटेंगे, इसके 50 रुपये कटेंगे करके आंधे ना। एक्चुअली जब हम घर पहुंचे तो सिमरन और वंशिका ही घर पे थे और हम चाय पी के हेलो हाय करके जाने वाले थे कि इतने में चाचा जी की एंट्री होती है। फिर हम थोड़ी देर उनसे बातें करने के लिए रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर में चाची जी भी आ जाते हैं गाँव में, कहीं सत्संग था वहाँ गए हुए थे, फिर हम फिर से रुक जाते हैं। इस वजह से हम लेट भी हो गए, हम जाने वाले थे, इतने चाची आ गए हैं। बस राजी रहे, राजी रहे। ये देखो ये है मेरा छोटा भाई, पहले हम फिर से हम जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे। एक फ़ोटोशूट हमने फिर यहाँ करवाया सभी से जो भी थे और चाचा जी भी रेडी हो रहे थे, तो फिर उनके आने पर हमने फ़ोटो ली और फिर हम निकल लिए चंडीगढ़ के लिए। चलो चलो जल्दी, हूँ लेट हो दे, बाय बाय बाय, नहीं करनी शांत, बाय कर। यहाँ से भी हम जाने वाले हैं, अब हम रुकेंगे चंडीगढ़ थोड़ा, रास्ते में देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो करेंगे ब्लॉगिंग, नहीं तो फिर चंडीगढ़ में पहुँच के करते हैं बात। ठीक है जी, बाय बाय Up black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just watch the bullets fly, I'm the last one to die. अभी हम पहुंच गए हैं ऊना, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पहले बहुत गंदा सा बस स्टैंड बना था, अभी काफ़ी अच्छा बना दिया है इन्होंने, और ख़ास बात इसमें थिएटर भी है। गाइस अभी हमने नंगल के पास आके एक ब्रेक ली है, अभी हम खाएंगे कुलचा और टिक्की। तो गाइस टिक्की की प्लेट आ गई है, तो खा के देखता हूँ कितनी टेस्टी है। कटोवा दी नहीं मैम, खाने में टेस्टी है, बट टिक्की तो अभी आई नहीं उसमें, मसाला मसाला खा लिया। अलगो टिक्की खा के खाते हैं। अरे यार ये तो आलू की है, क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? टिक्की आलू की होती है और शिट यार। अभी हम रेडी हैं, खाना खा लिया हमने। क्या क्या खाया हमने? टिक्की और कुलचे। ये पता नहीं पिछे चुप बैठे ना, आज चलते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। चलो चलते हैं फिर।
call the one. You gon' be my only, only. Will you make clear?